एक्सपेंसेस क्लास नंबर 7 आप लोग कृपया क्लास 6 तक देख लीजिएगा। कल मैंने स्टूडेंट एक्टिविटी रेशियो पढ़ाया था, अगले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था एक्टिविटी रेशियो में एक आता है स्टूडेंट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, एक आएगा स्टूडेंट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। तो मैं एक्टिविटी रेशियो का स्टूडेंट अपने मैथ से क्वेश्चन नंबर पेज लिखो, आप लोग देखो क्वेश्चन स्टार्ट करा दूं तो सर लिखो पेज स्टूडेंट पेज और क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा मैं बता रहा हूँ, लिखो स्टूडेंट पेज 156 क्वेश्चन नंबर 41 सर करा रहे हैं। तो पेज 156 लिख लो आप, क्वेश्चन नंबर 41 मैं स्टार्ट करा रहा हूँ सर मेरे आईसीएसई का। क्वेश्चन नंबर 41 अब देखो मैं पढ़ रहा हूँ, लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो 41 में स्वयं मैं स्टार्ट करूँ क्या लिखना होगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, लिख लो इसका फॉर्मूला लिखो स्वयं। ट्रेड सेल किसको कहते हैं, डेटर्स को कहते हैं जिनसे मैं पैसा ले रहा है, डेटर्स को हम क्रेडिट सेल कर दिए तो ऊपर क्या लिखोगे नेट, अच्छा सेल्स की जगह आएगा नेट क्रेडिट, सेल्स नहीं लेकर आजकल वर्ड होता है, सेल्स का मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू मतलब जो मुझे पैसे मिले, ऑपरेशन मतलब मेरे मुख्य काम से, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम सेल को ही कहते हैं। तो फॉर्मूला लिख लो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाई बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, से इसका फॉर्मूला होगा क्वेश्चन नंबर 41। अब सुनिए कुछ ने लिखा हुआ क्या क्या है, सुनिए ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, सेल्स सेक्शन घटा देंगे तो आ जाएगा स्वयं ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब होता है सेल्स, तो ग्रॉस सेल्स से सेल्स सेक्शन घटा दूंगा तो आ जाएगा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आप कहीं भी लिखो स्वयं वर्किंग नोट 1 ऐसे लिखो कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा, ये वाला लिखो इधर। तो वर्किंग नोट 1 में सर क्या लिख रहा है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा लिखो, ग्रॉस सेल्स, ग्रॉस सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस स्टूडेंट सेल्स रिटर्न, माइनस सेल्स रिटर्न। तो देखो तो कितना दिया हुआ है, ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 9 लाख, तो मैंने लिखा 9 लाख, ये ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब होता है ग्रॉस सेल, यानी हम लोग ने एक बार 9 लाख का सामान बेचा है, आप कितने का रिटर्न आ गया सर, 1 लाख का रिटर्न आ गया सेल्स रिटर्न, तो ये हो गया नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको कहते हैं नेट सेल्स, नेट के लिए सेल्स आ गया 8 लाख। तो ऊपर क्या लिखो, यहाँ पे लिख दोगे 8 लाख हमने कहाँ निकाला है स्टूडेंट, वर्किंग नोट 1 में रेडी किए, ये फॉर्मूला देख लो तो स्टूडेंट ग्रॉस रेवेन्यू। अब आता है सर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो वर्किंग नोट 2 में मैं लिखूंगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होगा स्टूडेंट, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग में दिया हुआ देख रहा हूँ, तो लिखो स्टूडेंट ओपनिंग ओ पी ई एन आई एन जी, मैं लिखा हूँ मेरे मैट में लिखा हुआ है डेटर्स, तो ओपनिंग डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल नहीं है तो मत लेना, खाली होगा क्या ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स और ऐसे लिखोगे बाई टू। अब देखिए तो ओपनिंग डेटर्स कितना है स्टूडेंट, ओपनिंग डेटर्स है 83,000, तो लिखो 83,000 प्लस क्लोजिंग डेटर्स स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,17,000, तो 1 लाख
17,000 बाई 2 करो तो इसको कितना आ रहा है सर, ये हमारा शायद ये 1,00,000 आ रहा है, देखो तो 1,00,000 होगा उसमें 83,000 और 1,17,000 होता है 2,00,000, ये मिलकर हुए हाँ 17,000, 2,00,000 बाई 2 मैंने 1,00,000, तो यहाँ पे क्या लिखोगे एवरेज डेली सेल में 1,00,000 लिखो। इसका नहीं सर हमारा, हम अपने डेटर से डाटा तक क्या हुआ डेली सेल टर्नओवर रेशियो कितनी बार पैसा लेते हैं, 8 क्या आ गया टाइम्स, मतलब हम अपने कस्टमर से, ये मेरा आंसर है, ये एक जगह रहेगा, हम अपने कस्टमर से एक साल में क्या कर रहे हैं 8 बार पैसा लेते हैं 8 टाइम्स। अच्छा पूछा है डेली सेल कलेक्शन पीरियड, सुनिए मैं अपने कस्टमर से तब एक साल में क्या कर रहा हूँ 8 बार पैसा लेता हूँ, बोलता है साल में कितने दिनों में पैसा लेते हो, अब ये दिन भी पूछा है कलेक्शन पीरियड, मतलब मैं अपने डेटर से जानवी अग्रवाल हम लोग अपने डेटर से क्या कर रहे हैं 8 बार पैसा लेते हैं, 8 बार, बार तो समझती है 8 टाइम्स। अब हमें क्या पूछा है कि कितने दिनों में मैं पैसा ले रहा हूँ, मतलब हम डेटर से कितने दिन में ले रहे हैं, दिन में ले रहे हैं तो इधर करा दे रहा हूँ। अब हम लोग का नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट हमसे पूछा है ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन पीरियड मतलब होता है हम अपने डेटर से कितने दिन में पैसा ले रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड का मतलब डाटा क्या हुआ कि मैं अपने डेटर से कितने दिन में पैसा, साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन, तो हम लोग लिखेंगे 365 डेज मैं अपने मन से लिखूंगा, और मैं साल में कितनी बार पैसा ले रहा हूँ, यहाँ देखिए हम अपने डेटर से क्या कर रहे हैं स्टूडेंट 8 बार पैसा लेते हैं, 8 बार डाटा कितने में बॉय देखिए तो 365 दिन साल में होता है, और आप मुझे बोले कि सर मैं 8 बार पैसा लेता हूँ, 365 दिन में अगर 8 बार लेते हो यहाँ देखिए तो कितने दिन में ले रहे हो, तो 365 बाई क्या होगा 8 क्या होगा टाइम से डिवाइड कर दोगे कितना आ रहा है, देखो तो उसमें कितना आ रहा है 46 डेज करीब आ रहा है, इसका नाम अपने डेटर से हर एक 46 डेज में पैसा लेते हैं, इसका मतलब क्या है जैसे ही 46 डेज होगा मैं अपने डेटर से क्या कर ले रहा हूँ जानवी, हम लोग हर 46 डेज में क्या करते हैं हम अपने डेटर से पैसा लेते हैं 46 डेज भी पर, यानी मैं उधार कितने दिन का दे रहा हूँ, उन लोग को क्रेडिट कितने दिन का देता हूँ 46 डेज का, यही होता है ट्रेड शेयर टर्नओवर रेशियो, तो डाटा ट्रेड शेयर टर्नओवर रेशियो का मतलब हो गया कि मैं अपने ग्राहक से एक साल में क्या करता हूँ कस्टमर से कितना हम 8 बार लेते हैं, 8 बार हुआ लेकिन कितने दिनों में पैसा ले रहे हो, तो अगर मैं इसको अपने ये मैं अपने मन से लाया, मैं माना हूँ साल में 365 दिन में 8 बार लेने का मतलब करीब करीब क्या 46 दिन में एक बार लेते हैं, सही बात है भैया, चलिए 41 हो गया। अब सर कौन सा कराओगे, अब स्टूडेंट मैं कराऊंगा 42 का ए और बी, अब मैं करा रहा हूँ 42 का ए और बी, क्वेश्चन नंबर 41 पहले कॉपी में उतार लीजिए सर, इसको इरेज करेंगे नाउ क्वेश्चन नंबर 42, मैंने बोल ही दिया था कि आज करीब करीब हम लोग अपने पहले क्लास में 5 क्वेश्चन करेंगे, तो मैं करा रहा हूँ 42 पे 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे ए और बी, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे नाउ 42, तो लिख लीजिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर लिखो 42 कर दो आप लोग कॉपी में 42 रेशियो एनालिसिस चैप्टर पेज नंबर 156, 42 का ए नंबर पार्ट में पूछा है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, 42 का ए तो लिख लो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, टर्न ओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होगा, डेटर को हम उधार में भेजते हैं तो ऊपर क्या लिखोगे नेट क्रेडिट सेल्स में, आजकल सेल्स के बदले वर्ड क्या आ गया नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ये इसका फॉर्मूला हो गया 42 का ए। अब सुनिए
42 में स्वयं ए नंबर में लिखा है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया है, ग्रॉस डेटर दे दिया है, मेरे को सुनना ग्रॉस क्या दिया है, डेटर दिया है, और क्या दे दिया है, बिल्स रिसीवेबल दे दिया है, और प्रोविजन फॉर बैड डेट दे दिया है। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। इसका मतलब मैं डेटर से कितने रुपए का क्रेडिट सेल हुआ है, स्वयं 9,60,000, तो ये दिया हुआ है। अब छात्र पूछ रहे हैं सर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल थोड़ा सा हमें बताइए, बनाइए वर्किंग नोट वन में हम लोग लिखेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला है स्वयं ओपनिंग डेटर्स, क्या बनेगा दादा, ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपी, ओपी मतलब होता है ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, प्लस क्या, क्लोजिंग डेटर, सीएल मतलब होता है क्लोजिंग डेटा, क्लोजिंग है सीएलओ ऐसा ही आएंगे, मैंने लिखा क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बीआर, ये ब्रैकेट में खाएगा ऐसे, और बाई क्या लिख देंगे, बाई टू। अब करते हैं देखिए, ठीक है, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का फॉर्मूला है ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस सीएल बने क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, बीआर बने बिल्स रिसीवेबल बाय 2। अब देखिए इस क्वेश्चन में ग्रॉस डेटर्स और इसका ना ये जो दिया हुआ है ना ये क्लोजिंग वाला मानना, इसका क्लोजिंग डेटर्स कितना दिया है, 1,90,000 दिया है। क्वेश्चन सुनिए, क्लोजिंग डेटर्स है 1,90,000 और बीआर कितना दिया है दादा, 50। बीआर एक बार देखिए तो कितना दिया हुआ है, पता बीआर 50,000 का दिया हुआ है, ठीक है। अब ओपनिंग में क्या लेंगे, सवाल उठता है दादा, सवाल उठता है क्या छात्र ओपनिंग में क्या लेगा, नियम क्या कहता है कि क्लोजिंग में देगा, अगर ओपनिंग नहीं देगा तो ओपनिंग उतना ही लेंगे, तो ओपनिंग में क्या आएगा, मैं मानूंगा मेरा ओपनिंग डेटर कितना लेना था, 1,90,000 और इधर कितना, 50 प्लस 50, ये और बाई क्या, 2, कितना आ रहा है ये करो तो, 2,40,000 हो रहा है क्या, देखिए तो 2,40,000। अच्छा एक छात्र पूछ रहा है सर पीबीडीटी का क्या होगा, यहाँ सुनिए प्रोविजन फॉर बैड डेट मैंने का मतलब होता है कि मुझे लग रहा है मेरा डेटर पैसा क्या कर देगा, डुबा देगा, नहीं देगा, लेकिन वो करेंट रेशियो में काम आएगा, करेंट एसेट्स बाय करें, उसमें हम लोग क्या करते हैं पीबीडीटी डेटर इसमें नहीं करेंगे, तो इसमें सर पीबीडीटी का कुछ नहीं करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट का कुछ नहीं करना है। तो कितना आया, 2,40,000, इसमें जानवी अग्रवाल तेरा डेटर कितने का है, 9,60,000 का, तू क्रेडिट सेल की है 9,60 में से अभी भी हम लोग 2,40,000 रुपया ईयर कैंड में क्या कर रहे हैं डाका, ये अभी भी पैसा मिलना क्या है डेटर लोगों से, बाकी रह गया कितने का सामान बेचे थे, 9,60,000 और उसमें से 2,000 डेटर से कितनी बार पैसा ले रहा हूँ, 4 बार। तो आंसर आएगा सर अपने कस्टमर से हम एक साल में आंसर लिखे 4 टाइम्स, तो सर हमारा ट्रेड सेल टर्नओवर रेशियो किसमें आया, TIMES के टाइम्स में निकला है, इसका मैं अपने डेटा से एक साल में 4 बार पैसा लेता हूँ, ये हो गया। अब करेंगे बी नंबर, तो सर नाउ 42 का बी, क्वेश्चन नंबर 42 सेम क्वेश्चन का कौन सा पार्ट, आईसी और सीबीएसई को कह रहा हूँ बी नंबर सुनिए, बी नंबर में लिखा है कैलकुलेट ट्रेड सेल टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड इन मंथ्स। तो पहले ट्रेड शेयर टर्नओवर रेशियो करो, 42 का बी ट्रेड क्या लिखेंगे, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला बनाओ ट्रेड शेयर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट सेल्स नहीं लिखे, क्या लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इधर माने सेल्स आए, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाई नीचे क्या लिखना होगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, लिखो
ये फॉर्मूला हो गया 42 का बी नंबर का, ट्रेड सेल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा नेट क्रेडिट। अच्छा क्रेडिट सेल क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम डेटर को क्रेडिट में सामान बेचते हैं, वही पैसा मेरा जाम है, तो इसमें कैश सेल नहीं आता है। और देखिए तो इसमें क्या लिखा है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में देख रहा हूँ, क्वेश्चन में दे दिया है कितना 60,000 इज गिवन इन योर क्वेश्चन नंबर कितना सर 42 में ये दिया हुआ है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आता है एवरेज कैसे आएगा, तो देखो तो जानवी डेटर्स और बीआर दिया हुआ है 5,000 और कितना 5,000 10,000 यही क्लोजिंग है और वही क्या होगा तो नीचे कितना आएगा बोल पाएगा डागा नीचे क्या आएगा 10,000 यही एवरेज हो जाएगा। तो मैं अपने डेटर से कितनी बार पैसा ले रहा हूँ 6 बार 6 टाइम्स लिखिए कुछ लिखिए 6 टाइम्स हो गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब पूछा है हम लोग को इसी क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन पीरियड का मतलब है मैं अपने डेटर से कितने दिनों में पैसा लेता हूँ, मैंने उधार सामान बेचकर हम कितने दिनों में लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, इसका मतलब क्या हुआ दादा कि हम कितने दिनों में लेते हैं, साल में कितना दिन होता है, साल में क्या हो रहा है कितना ओ ये मंथ में पूछा है सॉरी मंथ मतलब हम कितने मंथ में पैसा ले रहे हैं, साल में कितना महीना होता है स्टूडेंट 12 आप लिखोगे 12 मंथ। अब बताइए जानवी तू साल में 12 महीना है और तू मुझे बोली कि बबलू भैया मैं डेटर से 6 बार पैसा लेती हूँ कितना 6 बार कितना मान लीजिए सर ये हमारा 12 मंथ्स है, जो स्टूडेंट थोड़े कम समझ पाते हैं ये 12 महीना होगा दादा ये 12 महीना पूरा ये 12 महीना है, मैं 12 महीना में डेटर से क्या कर रहा हूँ डेटर से 6 बार पैसा लेता हूँ। 6 बार मतलब मान लीजिए 1 बार हुआ 2 बार हुआ 3 बार हुआ 4 बार हुआ 5 बार हुआ और क्या तो 6 बार लेने का मतलब 12 महीना में अगर मैं 6 बार पैसा लेता हूँ तो कितने दिनों में ले रहा हूँ 2-2 महीने में ले रहा हूँ कितने महीने पे 2-2 महीना स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं हर 2 महीना में मैं डेटर से 1 बार लिया फिर दूसरे 2 महीने में 1 बार फिर दूसरे 2 महीने में 1 बार फिर 2 महीने में 1 बार 2 महीने मैंने मैं 12 महीना में 6 बार ले रहा हूँ तो कितने महीने में ले रहा हूँ। तो फॉर्मूला को मंथ में लाने के लिए मैं कल बताया था कि ऊपर मंथ लिखो तो जो आंसर आएगा वो नीचे आएगा कितना 6 टाइम कितना आएगा एक बार आंसर क्या आएगा इसका मैं अपने कस्टमर से क्या कर रहा हूँ अरे हर 2 महीने में पैसा ले रहा हूँ। ये हम लोग किए कितना नंबर 42। अब आगे बढ़ रहा हूँ कराते जा रहा हूँ तरह तरह के क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे सर। 42 के बाद स्टूडेंट हम लोग जो क्वेश्चन ले रहे हैं वह ध्यान से सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। ओ 42 स्टूडेंट बता रहा हूँ मैं 42 हाँ उसमें आप सुनिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ 42 उसमें अब हम लोग करेंगे 42 के बाद 42 के बाद इसमें हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे आप घबराइए मत मैं बता दे रहा हूँ स्टूडेंट 42 नंबर के बाद हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट सुनिए सर 42 के बाद मैं पहले स्टूडेंट एक क्वेश्चन और कराऊंगा वो आप ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट मैं अब सीधा चला जा रहा हूं सर हम लोग क्वेश्चन कर ले रहे हैं 46 नंबर करा रहा हूं तो सर 43-44 जो छूट भी रहे हैं वो होमवर्क में थोड़े थोड़े रहेंगे ना प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 46 तो जो मैं करा रहा हूँ आप लोगों को कितना नंबर क्वेश्चन नंबर 46 तो स्वयं क्वेश्चन नंबर 46 सब मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ के हम लोग कर रहे हैं तो लोग सीट नहीं देखोगे तो स्वयं क्वेश्चन नहीं बनेगा तब्दूबी वाले छात्र कह रहे हैं हमारे पास सीट नहीं है उसके लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग WB की सीट उसमें अपलोड नहीं किया है इसमें ना IC वाला कर दिया WB में IC वाला डाली हो हाँ तो वो क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट आप लोग का जो मेरे पास लगातार मैसेज आ रहा है बहुत से स्टूडेंट का किस तरह सवाल नहीं मिल रहा है
तो आप आईसी वाले सीट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर कितना 46 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग रेशियो का करेंगे। मेरा कहना है हमेशा पेज नंबर लिखा करो, पेज नंबर 157 बोर्ड पे ध्यान दीजिए, 157 क्वेश्चन नंबर 46 हुआ, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, वही एक ही कहानी है। तो सर मैं लिखा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला हो गया नेट क्रेडिट सेल्स की जगह आप लिखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाई, नीचे होगा सर एवरेज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप 46 का। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो स्टार्ट करते हैं 46 में, आप मुझे सुनिए। अच्छा लिखा है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डाटा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है टोटल सेल्स, और हमें चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट एरे को नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माने सेल्स होता है, तो इसको आप पढ़ो नेट क्रेडिट सेल। तो टोटल सेल से क्या घटा देंगे, कैश सेल घटा दूंगा तो क्या होगा क्रेडिट सेल आ जाएगा। तो हम लोग पहले वर्किंग नोट 1 बनाएंगे, और वर्किंग नोट में मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट, देखिए ये वाला निकालना है नेट, लिखते जाओ नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कि आपको क्रेडिट सेल कितना हुआ इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बनेगा टोटल सेल्स, जो लिखा हुआ है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक साथ कंफ्यूज है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम कहते हैं सेल्स, तो इसको जान भी मैं क्या पढ़ूंगा, इसको आप लोग पढ़िए टोटल सेल्स, इससे कौन सा सेल लेस कर दो कैश, हाँ कैश सेल घटा लूंगा तो क्रेडिट सेल आ जाएगा, तो माइनस लिखे कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स, तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखिए कैसे होगा, देखिए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का वैल्यू है 2 लाख, यहाँ मैंने डाटा क्या लिखा 2 लाख लिखा, माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है कैश सेल हुई है 40,000 की, तो बताइए तो क्रेडिट सेल कितने का हुआ, क्रेडिट सेल हुआ 1,60,000, लिख लीजिए आ गया क्रेडिट सेल 1,60,000, तो यहाँ मैं कितना लिखूंगा ऊपर कितना लिखूंगा 1,60,000 बाई। अब देखिए एवरेज ट्रेड सेल मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, इसको मैं इजीली कर ले रहा हूँ है, देखिए 46 नंबर सम्स में सर एवरेज ट्रेड सेल में देखिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 अप्रैल 2017 और 31 मार्च 2018 का दिया है, ओपनिंग में 35,000 प्लस 55,000 बाई 2, तो एवरेज को डाटा यहाँ देख तो 35,000 प्लस क्या लिखा सर ने बाई 2, इसमें दिखा रहा मैं वर्किंग में नहीं बनाया, डेटा होगा लो एवरेज, एवरेज माने ओपनिंग डेटा प्लस क्लोजिंग डेटा बाई 2 को दबो करने से आएगा एवरेज, तो 5 और 3 8 सिंगल पे 45,000 हो रहा है, उसमें 1,60,000 बाई 45,000 कितना आ रहा है, देखो तो उसमें आंसर उसका ना जानवी मैं अपने डेटर से एक साल में क्या कर रहा हूँ 4 बार क्या करते हैं पैसा लेते हैं 1,60,000 और 4 नहीं होगा सॉरी कितना आ रहा है सर, इसको डिवाइड करेंगे तो ये मैं गलती लिखा हूँ 3.56, इसका ना इसमें अपने डेटर से डाटा क्या कर रहे हैं एक साल में कितनी बार पैसा लेते हो आप 3.56 टाइम्स मैं पैसा ले रहा हूँ, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 40 कितना 6 था स्टूडेंट, इसको कीजिए सर पहले चलिए कितना नंबर किए वाला ना पहले बोलिए कितना नंबर किए 46
हाँ सर, ये मैंने 46 नंबर क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट कर लिए, अब इसको इरेज करूं, बहुत वक्त दिया हूं, इतने में सभी छात्र नोट डाउन कर लिए। नाउ उसमें जो क्वेश्चन नंबर 47 है वो करेंगे, पेज 157, क्वेश्चन नंबर 47, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। 47 में मेहनत बहुत ज्यादा हो सकती है, पहले सुनिए। 47 में गर्ल्स बॉयज हमें दिया है, टोटल सेल्स दिए थे, टोटल सेल्स है 1,07,000। टोटल सेल्स में कौन कौन सा सेल होता है, कैश सेल भी रहता है, क्रेडिट सेल भी रहता है। फिर हमें दिया है कैश सेल, कैश सेल कितना हो गया सर, 20% ऑफ टोटल सेल्स हो जाएगा। सेल्स रिटर्न आप समझते हो, मुझे सुनिए, ट्रेड रिसीवेबल में ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, बोलते आप निकालो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। 47 फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला, देखो स्टूडेंट, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, अब इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला डाला क्या है, डेटर को हम उधार में सामान बेचते हैं, तो भाषा होगा नेट क्रेडिट सेल्स, सेल्स के लिए नया वर्ड क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ये होता है सेल्स। तो हम लोग मैं लिखते हुए क्या पढ़ रहा हूँ इसको, नेट क्रेडिट सेल्स लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और बाई एवरेज फिर क्या, ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स होगा इसका फॉर्मूला। तो लिखिए भाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, अब जरा देखिए नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगा और एवरेज। तो सर ये वर्किंग नोट वन स्टूडेंट, वर्किंग नोट वन है, हमारा नेट क्रेडिट सेल हम लोग निकालेंगे, तो लिखो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सर कैसे आएगा, ये देखिए नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा सर टोटल सेल्स, पहले 47 है तो लिखो टोटल सेल्स, टोटल सेल्स में कैश सेल क्रेडिट सेल्स सब लिखा रहता है, माइनस क्या कर दो कैश सेल्स करोगे, माइनस कैश सेल्स, और माइनस क्या होगा स्टूडेंट बोल पाओगे तुम लोग, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न मतलब जो सामान मैंने बेचा डाला वो रिटर्न आ गया, लौट कर आ गया, सेल्स रिटर्न मैंने अभी जो सामान को मैंने बेचा वो लौट कर, तो सेल्स रिटर्न भी घटेगा। तो क्रेडिट सेल कितने की हुई, टोटल सेल्स कितना है 1,75,000 माइनस स्टूडेंट कैश सेल्स आया है, कैश सेल 20% ऑफ टोटल सेल्स, यही तो टोटल सेल्स है, तो कैश सेल कितना होगा डाला 20% इनटू 1,75,000 का 20% बोला है कैश सेल होगा, और सेल्स रिटर्न कितना हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया सामान लौट कर आ गया 10,000, पहले हमारा क्रेडिट कितना सेल किए वो मालूम चल जाएगा। फर्क कीजिए तो भैया 1,30,000 तो 1,30,000 हो गए सर हम लोगों का बेटा क्रेडिट से ले जाएगा डाई लेको ताले आंसर अबे सर ऊपर आएगा 1,30,000 बाई। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, ओपनिंग 8,000 है, देखो तो बुक्स में देखो तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 8,000 है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 12,000, 8 और 12 20, 20 बाय 2 माने 10,000, बाई 10,000 करो आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आंसर इक्वल्स टू 13 उसके बाद मैं कराऊंगा, आपको सोचना नहीं है। 47 के बाद स्टूडेंट मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो आप लोग कृपया एक बार सर से सुनिएगा, सर 47 के बाद मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा 48, उसमें आपको अपना एप्लीकेशन और ब्रेन ज्यादा लगाना पड़ेगा, 48 बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है सर, इसके बाद मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 48, इसको इरेज कर दूं मैं उतना टाइम दे रहा हूं जिससे आप नोट डाउन कर लियोगे ना। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 48,
पेज 147 क्वेश्चन नंबर 48 देखो तो सर 48 है की लेखा सुनिए 48 बहुत घुमाया है थोड़ा सुनना होगा 48 में लिखा हुआ है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो चलिए पहले आप लोग फॉर्मूला लिख लो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो सर हमें निकालने बोला है फॉर्मूला ट्रेड रिसीवेबल मतलब होता है जिनको आप सामान बेच रहे हो जिनसे आपको पैसा लेना है मतलब डेटर है और डेटर को हम उधार में बेचते हैं तो वर्ड होगा ऊपर फॉर्मूला में क्या आएगा नेट क्रेडिट सेल्स सेल्स को क्या लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माने हुए सेल्स डेटा का हम ऐसे पढ़ेंगे नेट क्रेडिट सेल्स बाय नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाई क्या लिख देंगे एवरेज डेटर डेटर नहीं लिख के डागा वर्ड होगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्वेश्चन नंबर 48 सर ये कौन सा ये आंसर किसमें आएगा ये आंसर आएगा सर मैं अपने डेटर से एक साल में कितनी बार पैसा ले रहा हूँ देख लीजिए नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स अब देखिए उसमें 48 में क्वेश्चन कैसे लिखा है सुनिए 48 में लिखा हुआ है क्लोजिंग डेटर्स 40,000 अच्छा क्लोजिंग डेटर एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर बता रहा हूँ स्वयं अब हम लोग वर्किंग नोट वन बना रहे हैं वर्किंग नोट वन में क्या क्या लिखना है आप देखिए सर क्लोजिंग डेटर्स कितना दिया है क्लोजिंग डेटर मतलब जो पैसा कंपनी ईयर के एंड में अपने कस्टमर से पाती है तो क्लोजिंग डेटर्स दादा क्लोजिंग डेटर्स क्वेश्चन में कितना है 40,000 ये दिया है दिस इज गिवेन CIVEN ये गिवेन था अब जरा सुनिए लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर अच्छा क्लोजिंग डेटर ओपनिंग से कितना ज्यादा है क्लोजिंग डेटर 20,000 जाता है तो इसका मतलब सर बॉयज गर्ल्स ओपनिंग डेटर कत होवे सर सर ओपनिंग डेटर कितना होगा बोलते हैं क्लोजिंग डेटर डाटा ध्यान दीजिए क्लोजिंग डेटर क्या है ओपनिंग डेटर से 20,000 क्या है ज्यादा है आप पढ़िए एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर ध्यान दे इसमें क्लोजिंग डेटर ओपनिंग डेटर से क्या है 20,000 क्या है एक्सेस है ज्यादा है तो मान लेते हैं इसमें तब ओपनिंग डेटर्स कितना मान लो अगर ओपनिंग डेटर मेरी बात सुनिए क्लोजिंग डेटर सर ओपनिंग से क्या है 20,000 ज्यादा है तो ओपनिंग डेटर क्या होगा 20,000 कम होगा तो सर ओपनिंग डेटर कितना होगा ओपनिंग डेटर हो जाएगा 40,000 माइनस क्या 20,000 प्लस टू 20,000 क्यों सर क्योंकि लिखा है कि क्लोजिंग डेटर दादा क्लोजिंग डेटर ओपनिंग से क्या है 20,000 ज्यादा है ओपनिंग से 20,000 है तो ओपनिंग उससे क्या रहा होगा सामान्य सर ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर से 20,000 क्या है कम रहा होगा अब मैं कौन सा निकाल लूंगा एवरेज देखो তাহলে স্যার আমাদের অ্যাভারেজ ডেটাস কত হবে অ্যাভারেজ ডেটা বা অ্যাভারেজ অ্যাভারেজ ডেটাস কস টু ওপেনিং প্লাস ক্যা ক্লোজিং বাই 2 হোয়াটস ইওর ওপেনিং তো ওপেনিং ডেটা কিতনা আয়া দাদা 20,000 প্লাস ক্লোজিং কতটা দেওয়া ছিল স্যার 40,000 ক্লোজিং দিয়া হয় বাই 2 কিতনা আ রহা অ্যাভারেজ আমারা 30 তো স্যার আমারা অ্যাভারেজ ডেটা হো গিয়া 30,000 আব আতা হ্যায় নেট ক্রেডিট সেলস नहीं तो वो भी कर लेते हैं अब आता है सर क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा तो ये मेरा बन गया स्टूडेंट वर्किंग नोट 1 ए बाबे खाता है बनाओ ना वर्किंग नोट 2 ना वर्किंग नोट 2 वर्किंग नोट 2 में हम लोग क्या निकालना है स्टूडेंट हमें काम ध्यान से सुने हमें चाहिए क्रेडिट सेल्स वही तो कैश सेल बीइंग 25% ऑफ टोटल सेल्स और टोटल सेल दिया हुआ है ध्यान से सुनिए इसमें ताले क्रेडिट सेल कैसे आएगा इसमें नेट क्रेडिट सेल्स कॉस्ट टू क्या हो सकता है दादा टोटल सेल्स माइनस क्या कैश सेल्स अरे टोटल सेल से क्या घटा देंगे कैश सेल जानवी क्रेडिट सेल मतलब ये वाला नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो क्रेडिट सेल का फॉर्मूला बनेगा टोटल सेल्स माइनस कैश सेल व्हाट्स योर टोटल सेल देखो तो क्वेश्चन में दावा आ चाहिए टोटल सेल्स कितना है 1,50,000 दिया हुआ है
देखिए टोटल सेल्स 1,50,000 सर, क्वेश्चन एक जगह है टोटल सेल्स, अब कैश सेल 25% ऑफ टोटल सेल्स, अब कैश सेल कितना हो जाएगा 25% इनटू किसका टोटल सेल्स का, तो टोटल सेल्स और 150, तो 150 का सर 25% कैश सेल कर लो कितना आ गया, तो ये आएगा सर 1,00,000 कितना 12,500 सॉल्व करके, ये कौन सा सेल आया जानबी, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल दादा कैसे आया टोटल सेल्स, अब कैश सेल तक हो तो बोलते कैश सेल जितना टोटल सेल्स है उसका क्या 25% टोटल सेल्स का, इसका इसका 25% है, वही मैंने लिखा है ये टोटल सेल्स का 25% टोटल सेल से कैश सेल घटाओगे क्रेडिट सेल आ गया, अब वहां लिख दो तो फॉर्मूला क्या बन गया नेट क्रेडिट सेल कितना आ गया 1,12,500 बाई एवरेज रिटर्न कितना आया 30,000 इज एवरेज रिटर्न कॉस्ट टू करो तो स्टूडेंट कोई 3.75 एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर, अगर ओपनिंग डेटर मान लीजिए अगर x है तो क्लोजिंग डेटर होगा x प्लस कितना 20,000, ये कॉस्ट कितना आ रहा है, क्लोजिंग डेटर क्या बोला है ओपनिंग डेटर से क्या ज्यादा 20,000 ज्यादा है, तो ओपनिंग डेटर एक बार मैं मिला लूं, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर से 20,000 जा रहा है, तो क्लोजिंग डेटर क्वेश्चन में क्या किया हुआ था दिया हुआ है, ओपनिंग डेटर से ये क्या है 20,000 क्या है ज्यादा ही है 40 20 60 60 बाई 2, हाँ 30,000 का आंसर कितना रखो तुम लोग एक बार 3.75, जबकि 4 टाइम दिया हुआ है, मैं इसको बाद में देख लूंगा सर। नाउ 48 का ये ए नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए, कितना नंबर था ए, नाउ 48 बी सर, 48 में एक क्वेश्चन और है 48B, तो सर 48B कैसे करेंगे, इरेज कर रहा हूँ, इरेज करके यहाँ लिख रहा हूँ 48B में स्टूडेंट बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, वही कहानी है क्या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसमें बोल रहा है ये हमारा 48 का बी, तो लिखो स्टूडेंट पेज नंबर 157 48 का बी फॉर्मूला, पहले लिखो ट्रेड Receivable turnover ratio, ये निकालना है फॉर्मूला बताओ तो net credit सेल्स को क्या कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये फॉर्मूला लिख लो तो ट्रेड सेल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हो गया, हम डेटर से कितने डेटर को उधार में बेचते हैं, ऊपर लिखोगे नेट क्रेडिट सेल बाई एवरेज ट्रेड सेल माने एवरेज डेटर्स, और ये किसका फॉर्मूला लिखे हम लोग दादा ये टाइम्स में आएगा, ये टाइम्स वाला फॉर्मूला है, अब पढ़ता हूँ निकालिए कैसे नेट क्रेडिट सेल कितने का हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 3 लाख, क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है और मैं एक्सप्लेन करूंगा आप समझ जाओगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जीपी 25% ऑन कॉस्ट है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे दिया है, चलिए सर उसमें हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लेते हैं, तो वर्किंग नोट 1 का रेडी कर लेना सर, वर्किंग नोट 1 बनाओ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, तो सर हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ, ओपनिंग डेटर्स देखो तो क्वेश्चन में दिया है क्या प्लस हाँ दिया है सर प्लस क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग माने ईयर के एंड का डेटर जो मुझे अभी भी ग्राहकों से पैसा लेना है, क्लोजिंग डेटर बाई टू देखो तो ओपनिंग डेटर्स कितना है सर, ओपनिंग डेटर्स कितना दिया है
50,000 प्लस क्लोजिंग लेटर्स कितना है 1 लाख। हाँ। देखो तो 1 लाख है क्या? हाँ। 1 लाख और बाय 2 कितना आ रहा है? ये 75,000। तो हम लोग सर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को किस में निकाले डागा? ये बेटा हमने अपना वर्किंग है सर निकाल लिए। अब हमें लगेगा नेट क्रेडिट सेल को कितना है। अब देखते हैं सर सेल्स कैसे निकलेगा स्टूडेंट। तो वर्किंग नोट 2 सर एक फॉर्मूला और बनाओ सेल्स की भावे बेरवा इसमें हमने जानी हमें मालूम है स्टूडेंट। ये देखिए टोटल सेल्स, सेल्स का आजकल नया नाम क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा बोलते बाड़ी। पहले टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला बनाता हूँ। इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बोलिए तो दादा एक बार। कैश सेल्स, कैश सेल लिख सकता हूँ। प्लस कौन सा? क्रेडिट सेल लिख सकते हैं ना। यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगाकर मैं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा सर। पहले टोटल सेल्स बेर होते पड़े देखिए तो एक जगह लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो टोटल सेल्स का सर ये फॉर्मूला बनेगा। देखिए देखिए पहले देखिए डाउट एकदम क्लियर करो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे? अगर हम क्या ऐड कर देते हैं जो भी हमारा क्लास 11 तक है मोने को 11 तो 11 में मैंने बताया था मैंने कितने का सामान बेचा। ये मेरा उस सामान का मान लो क्या है कॉस्ट है। उसमें क्या जोड़ देंगे? प्रॉफिट जोड़ देंगे। যদি আমরা যত টাকার মনে কর মান লিজে সে দাগা ধ্যান দে মান লিজে স্যার ये पेन मेरे हाथ में जो ये 30 रुपीस का है तो 30 रुपीस का पेन में मान लो मैं 10 रुपीस का किया प्रॉफिट किया हूं तो सेल कितने का हुआ 40 का। यही तो सेल कितने का हुआ दागा ध्यान दे। मेरे पास ये जो पेन है स्टूडेंट सपोज मान लो ये पेन सर का 30 रुपीस का है ये हो गया कॉस्ट। इस पेन का कॉस्ट है 30 और प्रॉफिट कितना लिया 10। मैंने 10 लिया है तो मैंने कितने का सामान बेचा 40। तो 40 को क्या कहेंगे सेल। सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा? जो सामान आप बेचते हो उसका लागत क्या है कॉस्ट लिख दो उसमें क्या जोड़ दो तो हाँ प्रॉफिट जोड़ देंगे। इसका मैं जितने का सामान बेचा उतार आमार कॉस्ट का तो हमारा कॉस्ट कितना है कॉस्ट में क्या जोड़ दो उसमें प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का है मेरे क्वेश्चन में 3 लाख का है। यानी मैं जो जानवी सामान बेच रहा हूँ वो कितने का है 3 लाख में मैंने क्या नहीं लिया अभी इधर मुद्दे प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट जोड़ोगे तब ना सेल्स आएगा। और प्रॉफिट कितना बोला है उस पेज में देखिए सर पेज नंबर 158 में प्रॉफिट है 25% ऑफ व्हाट कॉस्ट है। हंसोगे तो यही तो कॉस्ट है। इसके ऊपर मैंने प्रॉफिट क्या लिया है दादा 25%। 3 लाख का 25% बोला है प्रॉफिट लियो इसी का बोला है इतना जान ली इसी का क्योंकि बोले थे कॉस्ट का ही 25% माने कॉस्ट के 25% होते हुए तो सेल कितने का आया देखिए तो बोलिए भाई 3,75,000 का आ गया टोटल सेल्स। अब इसमें कैश सेल कितना हुआ है 20% तो देयरफॉर क्रेडिट सेल देर को तब बेटा तो हमें टोटल सेल भी लिए गया लो नाउ देयरफॉर स्टूडेंट क्रेडिट सेल्स कॉस्ट को तो अबे तो क्रेडिट सेल का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सेल्स माइनस क्या कैश सेल्स माइनस कैश सेल। हमारा टोटल सेल्स कितने का किए 3,75,000 हमारा टोटल सेल्स माइनस करेंगे। अब देखो टोटल सेल्स से कैश सेल कितना हुआ है 20% ऑफ टोटल सेल्स तो लिखो 20% टोटल सेल्स तो यही हुआ ढगा कितने का 3 लाख 75 का क्या कर दो 20% करो कितना हो रहा है देखो तो 74,000 ना हाँ उसका 20% करो 5,500 इसका कर 20% करो हाँ 75,000 3 लाख तो सर क्रेडिट सेल का वैल्यू होगा क्रेडिट सेल वैल्यू उससे सर 3 लाख का था। बेटा कई बार चेक क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब सवाल में लौटो पहले एक घंटा एक बार आंसर का तो अबे इक्वल्स टू इक्वल्स टू है नेट क्रेडिट सेल कितने का आया डागा 3 लाख ऊपर 3 लाख लिखो 3 लाख बाय एवरेज ट्रेड रेट का तो छे एवरेज माने छे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 हमी बोले देखे थे कितना है 75 का देने का है एवरेज रेट है कितना आ रहा है ये इक्वल्स टू 4 टाइम्स। इसका नाम अपने डेटा से डागा कितनी बार पैसा लेते हैं एक साल में
एक साल में कितनी बार ले रहे हैं? 4 times. एक बार में मैं 4 बार पैसा लेता हूँ. तो इसमें देख लीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था. क्वेश्चन नंबर कितना की है? 48. सर मैं 49, 50, 51, 52, 53 में एक बार आगे नहीं बढ़ के ना क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट समथिंग न्यू में जाएंगे. न्यू मतलब होते होच्चे सर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो बैलेंस जेगुना आमी छाड़ची एगुलो किंतु होमवर्क थाकबे होमवर्क पे रहेगा ना. क्वेश्चन नंबर 50 कितना? 4. तो सर क्वेश्चन नंबर 54 सर कराएंगे. क्वेश्चन नंबर 54 में बैठना हो अच्छा वो दिखाने या बीच में सर ने कोई सवाल छोड़े एक बार आप उन्हें होमवर्क पे रखिएगा. आप थोड़ा उलझिएगा 100% बनेगा. कोशिश करते जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 54 आपने कल मैं पढ़ा दिया था एक्टिविटी रेशियो. कल की क्लास नंबर मेरी 6 देख लेना. 54 नंबर कितना नंबर पेज में है? तो इसमें लिखिए पेज पेज 159. चलिए क्वेश्चन नंबर कितना 54. हाँ तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछा है स्वयं? कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो. दादा ट्रेड पेबल टर्नओवर पेबल टर्नओवर रेशियो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो ट्रेड पेबल मतलब होता है जिनसे मैंने गुड्स खरीदा है और जिनको मुझे पैसा देना है. मतलब मैं एक साल में कल मैं पढ़ाया था छानवी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है मैं अपने क्या सप्लायर को ट्रेड क्रेडिटर्स को कितनी बार पैसा मैं दे रहा हूँ साल में वो होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो. इसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा नेट क्या लिखना सर हम लोग क्रेडिटर से गुड्स खरीदते हैं तो नेट क्रेडिट परचेज हो कारण हम लोग क्रेडिटर से उधार में संभाल आते हैं कैश में तो नेट क्रेडिट परचेज फॉर्मूला में आएगा और नीचे बाई क्या एवरेज ट्रेड पेबल्स एवरेज ट्रेड पेबल्स लिख लो सर. सर क्वेश्चन नंबर 54 में अब मैं मेहनत कम करेंगे सर. देखिए तो सर क्रेडिट परचेज कितने का हुआ तो इस बार मैं डागा मेहनत कम करूंगा. देखिए जानवी टोटल परचेज कितने का दिया है सर? सर टोटल परचेज 80,000. टोटल परचेज से क्या घटा देंगे? कैश. तो आ जाएगा कौन सा? क्रेडिट परचेज. तो क्रेडिट परचेज का वर्किंग नोट 1 लिखो. क्रेडिट परचेज इक्वल्स टू सर क्रेडिट परचेज बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल टोटल परचेजेस माने टोटल माने कैश और क्रेडिट दोनों है माइनस कौन सा बात दे देंगे? कैश परचेज. हां दादा कैश परचेजेज अपने बाद दे देंगे. दादा टोटल परचेज कितने का एक बार देख तो भाई 80,000. वेरी गुड आंसर 80,000. और क्रेडिट परचेज कैश परचेज कितने का है? 8,000. 8 का है सॉरी. तो कितना आया? 72. सर क्रेडिट परचेज तो क्रेडिट परचेज की जगह क्या लिखोगे स्वयं आप लोग? 72,000 इज द नेट क्रेडिट परचेज. हो गया जानवी बना ली नेट क्रेडिट पर है एवरेज ट्रेड पेबल. एवरेज ट्रेड पेबल मतलब होता है ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्या क्लोजिंग बाय 2. तो स्वयं अब हम लोग वर्किंग नोट 2 का बनाओ. सर वर्किंग नोट 2 इसलिए बना रहा हूं मेरा पहला क्वेश्चन है इसका इस सेक्टर का एवरेज नागा बोलिए ट्रेड पेबल फॉर्मूला क्या बनेगा? एवरेज ट्रेड पेबल इक्वल्स टू ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग ट्रेड पेबल ओपनिंग ट्रेड की क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्लोजिंग ट्रेड क्रेडिटर्स बाय 2. आइकने बिल्स पेबल भी लेंगे बट इस क्वेश्चन में क्या नहीं है दिया हुआ नहीं बिल्स पेबल नहीं है. देखिए तो ओपनिंग ट्रेड पेबल या ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना है? 11,000 प्लस उसमें क्लोजिंग ट्रेड क्रेडिटर्स कितना दिया है? 13. क्लोजिंग दिए थे सर 13,000. 11,000 बाय 13,000 बाय 2 कितना हुआ देखिए तो 12,000 हो गया 12,000. अब यहां बैठा सर नेट क्रेडिट परचेज 72 ये वाला दादा कौन सा ये वाला वर्किंग और एवरेज ट्रेड पेबल कितना है? तो इसका मतलब आमरा क्रेडिटर्स के कोबार पैसा दीची सर मैं अपने क्रेडिटर्स को
एक साल में क्या कर रहा हूँ? छह बार आंसर लिखे सिक्स टाइम्स। दूसरा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो सर सिक्स टाइम आएगा बोलता है। हाँ सुनिए, अब आता है एवरेज क्रेडिट पीरियड, मतलब हम लोग कितने दिन में दे रहे हैं, दिन वाला भी पूछा है। तो सर लिखिए 54 का नेक्स्ट पार्ट एवरेज क्रेडिट पीरियड। जानवी घबराना मत, एवरेज क्रेडिट पीरियड का जानवी मतलब क्या है कि तुम अपने सप्लायर को कितने दिनों में दे रही हो, कितने दिनों में दे रही है। साल में भैया कितने दिन होते हैं तो आपको ऊपर लिखना होगा खुद अपने मर्जी से। साल में 365 दिन में मैं कितनी बार दे रहा हूँ, यहाँ तक को तो दादा छह बार देता हूँ, 365 दिन में सिक्स टाइम देना, करीब करीब कितना दिन में आ रहा है देख तो 61। इसका मतलब सर हम अपने क्रेडिटर्स को करीब करीब दादा क्या हर एक 61 डेज में पैसा देते हैं। मैंने 61 डेज में मैं क्रेडिटर्स को पैसा दूंगा, फिर 61 डे, फिर 61 डे, यानी डिफरेंस कितना हो रहा है क्रेडिट देने में, डिफरेंस कितने का है 61 दिन में, 61 डे के हमरा किंतु पैसा दीची, किंतु सारा बच्चों को बार दीची, कितनी बार? मैं 6 बार देता हूँ साल भर में, लेकिन कितने दिनों में देता हूँ? तो पेमेंट पीरियड डाला क्या हुआ एवरेज क्रेडिट पीरियड, वो भी किस में निकाले हम, मंथ में निकाले ना डेज में, डेज में। तो मैं 61 डेज में अपने क्रेडिटर्स को पैसा, मोटी बात हो गई क्या, देता हूं। नाम क्वेश्चन नंबर 55, एक इजी और करा है। क्वेश्चन नंबर 55 फॉर्मूला लिखो, क्वेश्चन नंबर 55 का सर फॉर्मूला लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 55 कर आ रहा हूं, बहुत बहुत दिया हूं आपको, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे मेरे हिसाब से। नाम क्वेश्चन नंबर 55 अभी करवा लो, दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच मिनट लग सकते हो, अलग बात है। पेज 159 क्वेश्चन नंबर 55 रेशियो एनालिसिस इज द चैप्टर। 55 जानबूझ के लिया हूं, इजी है फिर भी लिया हूं। कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। नाउ पहले पुट डाउन द फॉर्मूला, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा लिखिए, नेट क्रेडिट परचेजेस बाई, अच्छा क्रेडिट मत परचेज मतलब ज्यादा का से क्या हमारा धारे गुड्स कीने थी, बाई एवरेज एवरेज ट्रेड पेबल्स। एवरेज मतलब होता है ट्रेड पेबल्स मींस एक्रोपम केटर्स, केटर्स का मतलब होता है सिंडिकेटर्स और बिल्स पेबल दोनों लेना पड़ता आपको। चलिए सर 55 में नेट क्रेडिट परचेज का दिया हुआ है सर, दे दिया है 720,000, दिस इज गिवन बाय एवरेज ट्रेड पेबल माने होचे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, এটা কে কল আছে স্যার ওয়ার্কিং নোট 1 এ জান বুঝে করা রাও দাগা কে লিখুঙ্গা এভারেজ ট্রেড পেবল सर फॉर्मूला बोलिए, ओपनिंग क्रेडिटर्स बेटा अनेक जन भूल लेते, लिखिए ओपनिंग बिल्स पेबल बेटा ब्रैकेट में लगेगा ऐसे, प्लस प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल बेटा आबार ब्रैकेट है, यही भावे पूरोटार बाई दिए बाई 2, इसको मैं कह रहा हूं दागा क्या एवरेज ट्रेड पेबल। दादा आप देख ओपनिंग क्रेडिटर्स दे नहीं दिया है, ताले उटा जो क्लोजिंग है उसी को ओपनिंग मान लेंगे। तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना है स्टूडेंट, देखो तो 72,000 दिया हुआ है मेरा क्लोजिंग, और क्लोजिंग बिल्स पेबल कितना है 48 है। तो मैंने जानवी क्या बोला था, अगर स्कूल के पेपर में क्लोजिंग देगा यदि छात्ररा क्लोजिंग दे ओपनिंग टा कत ताले धरबो ओपनिंग ও অতটাই ছিল, क्योंकि ये कोई न्यू बिजनेसमैन नहीं है ये पुराना है। तो इसका ना यहाँ पे भी क्या लिखोगे ओपनिंग क्रेडिटर्स हमें 72 और ओपनिंग बिल पेबल वही लिखा जाता है 48 और बाई क्या कर देना बाई पूरा का 2 करो तो कितना आया 8 और 2 10 7 4 11 12 100,000 कितना 20,000 120,000 टका होगे। तो लिख लो सर ट्रेड पेबल एक अंतर लिखो ताले एवरेज ट्रेड पेबल होगा 120,000 बिकॉज़ टू कितना आया डाबा 6 टाइम्स, मतलब मैं अपने क्रेडिटर को एक साल में कितनी बार पैसा दे रहा हूं
सर हमरा कवर पैसा दिखती 6 बार, 6 बार मतलब मैं अपने ट्रेडर्स को अपने बिजनेस से 6 बार पैसा देता हूँ। 6 बार मतलब हर एक कितने महीने में? 2 महीने में। वो मुझे पूछा नहीं है उसका में क्या नहीं है जरूर नहीं। एक क्वेश्चन 56 कराऊंगा जो अच्छा लग रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56। पहले टाइम नोट पढ़े ना, इसको कॉपी में नोट कीजिए। बन गया ना साहब, मैं उतना वक्त दे रहा हूँ कि क्वेश्चन बन रहा है भाई, तो बनाने वाले बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 थोड़ा टफ है, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा घुमाया है, तो ना क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट कितना, क्वेश्चन नंबर 56 लिखे ना, तो पेज 159 चैप्टर इज रेशियो एनालिसिस क्लास नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 56 तक पहुंचे। सुनिए सर, नेट परचेज, परचेज है 360 का, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, मतलब मुझे इसका मतलब क्या होता है मालूम है? मैं जब अपने क्रेडिटर्स को पैसा दूंगा तो मुझे लग रहा है वो मुझे क्या देगा, डिस्काउंट देगा। क्या देगा? डिस्काउंट देगा। ओ, इसका मतलब जान भी क्या हो गया, तुम अपने क्रेडिटर्स को जब पैसा देगी, सप्लायर को पैसा देगी, तो तेरे को लग रहा है 5000 का डिस्काउंट मिलेगा। और क्रेडिट परचेज क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना है सर? क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए थे 45,000। सुनिए इस क्वेश्चन को 56 में एक समझने लायक पॉइंट दे दिया मालूम है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स इसका मतलब क्या है? डाला एटा धड़ो विद्यार्थी, ये मेरा बिजनेस है और मुझे क्या करना है डाला, अपने बिजनेस से क्रेडिटर्स लोगों को क्या करना है, पे करना है। कितना पे करना है? देख कितना मजेदार सवाल है, और तो भालो हमको देखो, मुझे 45,000 क्रेडिटर्स को देना है। इसमें आज मैं सिखाऊंगा क्रेडिटर्स किसको कहते हैं, क्रेडिटर जानवी उसको कहना है जिससे हम लोग क्या लेते हैं, गुड्स लेते हैं। लेकिन मान ले दादा मैं किसी क्रेडिटर से क्या किया हूँ, फर्नीचर खरीदा हूँ, सुनिए सुनिए, मैं किसी से मशीन खरीदा हूँ, तो मुझे तो उनका भी पैसा देना है, लेकिन दोनों में फर्क है। अगर मैं गुड्स का पैसा जो देना है वो रोज का काम है, मैं रोज खरीदता हूँ, लेकिन मशीन फर्नीचर मैं क्रेडिटर से खरीदा हूँ तो ये भी तो पैसा देना है, लेकिन ये गुड्स का नहीं है, अदर देन स्टूडेंट इसको कहना आप लोग अदर देन गुड्स। तो ये एक बार पहली बार मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लोजिंग क्रेडिटर्स में लिखा हुआ है कितने का, तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स 45,000 हम लोग को देना है, लेकिन 45,000 में स्टूडेंट जिससे मैंने फर्नीचर खरीदा है उसको मुझे 15,000 देना है। ओ दादा फर्नीचर वाले को 15,000 देना है, फर्नीचर क्या हो गया, जिससे गुड्स लाए ना, गुड्स नहीं लाए, गुड्स नहीं लाए तो इसको नहीं लेंगे फर्नीचर वाले, क्योंकि ये रोज का काम नहीं है। क्रेडिटर टर्नओवर मतलब होता है मैं अपने सप्लायर को जिनसे गुड्स खरीदता हूँ उसको साल भर में कितना दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ये इनसे तो मैं रोज मैं कोई गुड्स नहीं खरीद रहा हूँ, फर्नीचर मेरा या मशीन मेरा क्या नहीं है, लेकिन वो भी उनको 15,000 क्या करना है, वो इसमें क्या है, छोटा जुड़े आचे सर ऐड है उसको निकालना पड़ेगा। ये सब छोटा सा होता है सर, एक 2 मार्क्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बार सर करावे सर 56 कराची एखाने ওখানে বোঝালো কারাচ্ছি এখানে লিখে ट्रेड टेबल, ट्रेड टेबल क्या टर्नओवर रेशियो सर फॉर्मूला टाइप को बोलूं तो नेट क्या लिखना, क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज बाई बाई कोई भी स्टूडेंट क्लास का बाई क्या एवरेज क्रेडिटर्स, वो एवरेज दादा और बेहतर बोलियो आप वर्ड ट्रेड टेबल, क्रेडिटर वर्ड नहीं लिखाया था वो इजी पड़ता है छात्र, ट्रेड टेबल मैंने जिनको दे रहा है। अब सुनिए क्रेडिट परचेज कितने का है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का स्टूडेंट क्रेडिट परचेज हुए थे कत तो 3,60,000। अच्छा रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का इसमें कुछ नहीं करना है, तो कितना लिखेंगे हम 3,60,000, मुझे क्रेडिटर कितना डिस्काउंट देगा कह रहा है 5,000, लेकिन मान के चलना हम लोग परचेज को कितने का किए हैं 3,60,000 का ही माना जाएगा। नाउ सर एबार एवरेज ट्रेड पेबल কিভাবে বের হবে স্যার, एवरेज ट्रेड पेबल माने হচ্ছে ওপেনিং প্লাস ক্লোজিং বাই 2। দাদা एवरेज में क्या नहीं लेंगे हम लोग, क्वेश्चन है वो फर्नीचर वाला पैसा लेस कर दो, क्वेश्चन को थोड़ा लिखो तो एवरेज ट्रेड पेबल बोलते की हो जाते सर, एवरेज ट्रेड पेबल्स, क्वेश्चन एवरेज ट्रेड पेबल का मतलब हो गया ओपनिंग, ओपनिंग नहीं छोड़िए एवरेज यहाँ पे जो क्लोजिंग है वही होगा। डाटा एक बार देखिए तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स, लेकिन कौन सा छोड़कर, फर्नीचर छोड़कर, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग माने जिससे मैंने क्या खरीदा है,
फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर इज नॉट गुड्स, फर्नीचर मेरा व्यवसाय गुड्स ना, इसलिए उसको छोड़ता है, तो कितना आएगा 45,000। फर्नीचर वाले को कितना देना है डाला 15। तो ऐसा हमारे धरा हो बचर शेष धरा 30,000 टाका, एटाई एवरेज, क्योंकि जो क्लोजिंग होगा वही ओपनिंग होगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 तो 30,000 आएगा। देखो तो आंसर था कत दिए छे, स्वयं क्या हो गया, मैं अपने क्रेडिटर्स को एक साल में कई बार पैसा दी चीज है, तो स्वयं मैं अपने क्रेडिटर्स को एक साल में 12 बार पैसा दे रहा हूँ, कितनी बार दे रहा हूँ 12। हाँ, लेकिन दादा इसमें क्या नहीं लेंगे, अच्छा स्टूडेंट क्रेडिटर्स किसको कहते हैं, जिनसे मैंने गुड्स खरीदा है मुझे जो गुड्स का पैसा देना है, तो मेरा क्रेडिटर्स है 45, लेकिन देख रहे हैं कि इसमें मैं फर्नीचर खरीदा हूँ उसका भी देना है, तो उसको उसमें से क्या कर देना, लेस करके देखेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर, ताले फर्नीचर एक टाका टाका करके भाग देवे 15,000 रुपया घटा देंगे सर, ये देखिए मैंने किया है ये, और यही मेरा क्लोजिंग जितना का मानूंगा, ओपनिंग क्रेडिटर्स भी क्या है उतना ही है, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 तो 30 हो जाएगा। और यहां पे क्रेडिट, अच्छा रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो तो किचो होवे ना, ये करंट रेशियो में करते हैं, बट इसमें कुछ नहीं करना है, तो यहां पे सब छोटा छोटा मिस्टेक होने का मुझे पूरा चांस लगता है सर, इसीलिए मैं कह रहा हूं। चलिए सर नाम क्वेश्चन नंबर 50 स्वयं एक्टा में हमको पढ़ा थी, मुझे सुनिए आप लोग स्वयं सर एक 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 किया जाए सर 58 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ा लूँ ना सर 58 एक किया जाए, तो हमारा आज की क्लास में 58 तक मैं पहले सर क्लास नंबर 7 में टालूंगा। मैं बोला हूँ सर रेशियो की करीब 20 क्लास रहेगी, जिसमें अपने कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर कितना 58 करते हैं सर, प्रैक्टिस करोगे उलझे रहोगे वो बच्चा सकेगा, ऑनलाइन में, ऑनलाइन में वही सकेगा जो थोड़ा उलझा हुआ भी है। चलिए 58 सुनिए सर, 58 में एक बार सुनिए, मैं पढ़ूंगा आप लोग सुनिए सर। ओपनिंग क्रेडिटर्स दिए थे 4,00,000, दादा या जानवी अग्रवाल ओपनिंग क्रेडिटर 4,00,000 है, देख क्लोजिंग क्रेडिटर्स 5,00,000 है, फिर बिल्स पेबल, क्वेश्चन नंबर 58 सर, फिर बिल्स पेबल ओपनिंग है एटा क्लोजिंग आछे, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज मतलब होता है हमने गुड्स क्या किया, हमारा गुड्स किने छी कत टाका सर 70,00,000 70,00,000 का इंक्लूडिंग कैश परचेज, जो क्रेडिट परचेज उससे निकल जाएगा और परचेज रिटर्न हो गया हो जाएगा सर, क्या निकालना है, मैं अपने क्रेडिटर्स को कितनी बार दादा पैसा देता हूं, लिखा लेखा जाप सर लिखिए, ट्रेड टेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला लिखे सर, नेट क्रेडिट, नेट क्रेडिट परचेजेस बाई, बाई क्या लिखेंगे एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल्स, दिस इज द फॉर्मूला सर, एवरेज ट्रेड पेबल का पहले काम कराऊं। चलिए पहले नेट क्रेडिट परचेज करते हैं, 58 है सर, पहले नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा, वर्किंग नोट 1 स्कूल के पेपर में भी ऐसे ही बनेगा अगर आप बनाओगे तो सर, सर नेट क्रेडिट परचेजेस इक्वल्स टू, नेट क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला क्या बनेगा सर, टोटल परचेजेस, हमारा टोटल कितने का खरीदा मैंने सामान, माइनस इसमें से क्या घटा देना क्रेडिट कर दे दो, कैश परचेज नागा कौन सा कैश परचेज, कैश परचेज जो हमारा बात दिए दी और माइनस और एक और होगा कौन सा बोलिए, तो स्टूडेंट परचेज रिटर्न मतलब जो सामान मैंने खरीदा बट मैंने लौटा दिया, तो माना जाएगा मैंने खरीदा ही नहीं था, तो परचेज रिटर्न भी लेस करेंगे। देखिए तो टोटल परचेज कितने का है 70,00,000, तो सर टोटल परचेज 70,00,000, कैश परचेज और मुद्दे कत आछे 25,00,000 कॉस्ट टू कैश परचेज माइनस, अब परचेज रिटर्न कितना है डागा सर, परचेज रिटर्न कितना है 5,00,000 इज द अमाउंट ऑफ परचेज रिटर्न, अपना लो तो स्वयं कितना हो रहा है, कोई विद्यार्थी मेहनत करके बताएगा तो कितना आ रहा है सर, एटा 40,00,000 हो, तो सर नेट के रिट परचेज यही जाएगा टाइ शहर बोसी दीचे सर बैठा रहे कितना 40,00,000 बाई এখানে 40,00,000 তাহলে ক্রেডিট পারচেজ আমরা করেছি, টোটাল পারচেজ 70,00,000 হয়েছিল,
उसमें कैश परचेज बाद दिवाना के तौर पर क्रेडिट को तथा परचेज होए छे क्रेडिट में कितना पेज है अब आता है एवरेज ट्रेड पेबल वर्किंग नोट 2 देखिए एवरेज ट्रेड पेबल स्टूडेंट एवरेज ट्रेड पेबल्स सर एवरेज ट्रेड पेबल्स का फॉर्मूला मैं बना रहा हूं थोड़ा टफ होगा यहां पे देखिए तो ओपनिंग क्रेडिटर्स ओपनिंग लगा क्या क्रेडिटर्स और क्या बोला था ओपनिंग बिल्स पेबल ओपनिंग बिल्स ऐसे ही भावे ब्रैकेट दे दे प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल यही भावे और बाय टू कर देंगे तो हो जाएगा एवरेज करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 50 में ओपनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स है 4 लाख तो ओपनिंग क्रेडिटर्स से जाएगा छात्रोड़ा लिखने में 4 लाख प्लस सर ओपनिंग बिल्स पेबल 15000 है 15000 ऐसे ब्रैकेट यही भावे एक ब्रैकेट देवे प्लस सर क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना सर क्लोजिंग क्रेडिटर्स 5 लाख क्लोजिंग क्रेडिटर्स 5 लाख प्लस सर क्लोजिंग बिल्स पेबल कितना दागा क्लोजिंग बिल्स पेबल कितना है 85000 मैं देख पा रहा हूं 85000 ये ब्रैकेट में रहेगा और बाई क्या करना बाई 2 करेंगे तो सर हमारे बनी जावे एवरेज ट्रेड पेबल कोई स्टूडेंट करे तो 5 लाख 5 लाख बेटा एवरेज कर ले आज में सर 5 लाख तो 5 लाख तो यहां पे कितना लिखेंगे 40 लाख बाई कितना इसका ना हम लोग क्रेडिटर को अपने एक साल में क्या कर रहे हैं सर 8 बार क्या कर रहा हूं पैसा दे रहा हूं 8 टाइम्स ठीक है तो इसका ना इस बार क्या करेंगे सर परचेज अच्छा क्रेडिट परचेज कैसे निकालना है तो टोटल परचेज माने होते सर এর মধ্যে ক্যাশ পারচেজ আর ক্রেডিট পারচেজ তো এখান থেকে প্রথমে ক্যাশ পারচেজ আর পারচেজ রিটার্ন মতলব মানা যায়গা মানে সমান কে নিচে है यहां पे क्या लिखा नेट होता है नेट मतलब होता है परचेज रिटर्न लेस करके वो करके काम करना और बाई आप आगे वाला काम समझ रहे हो तो मैं अपने क्रेडिटर्स को साल भर में कितनी बार पैसा दे रहा हूं समझ गए सर हां अच्छा ये कितना नंबर की है 58 तो सर मेरा 59 60 এগুলো এক ধরনের অঙ্ক 60 মধ্যখানে যেগুলো ছেড়েছি ওমবাকে থাকবে স্যার 61 60 क्या रागा 61 और 62 तो सर हम लोगों का होमवर्क हो गया अप टू 62 पर्यंत को देखो तो सर कुछ अंक बाकी था से होमवर्क अप टू 62 नंबर सर कहां से होगा ये करीब तो इसमें आप लोग लिखो इस बार ऐसे लिखो 39 टू 62 जो होमवर्क बीच में क्या हो रहा है छूट रहा है आप पहले उसको होमवर्क में डाल दीजिए फर्स्ट होमवर्क में दो स्टूडेंट तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग द क्लास नंबर 7 कल अपने प्रोसीड करेंगे क्लास नंबर 8 9 10 होते ही मैं स्टूडेंट कंपनी में बीच में आ जाऊंगा ध्यान रखिएगा कंपनी में रिपीट नहीं करूंगा पार्टनरशिप हम लोग सर एक बार पक्का सर ने प्रॉमिस किया पूरा पढ़ा दूंगा लेकिन कंपनी में स्टूडेंट एकदम डट के रहना होगा दो बड़े-बड़े चैप्टर कराऊंगा कंपनी का और उससे बोर्ड में 3 कराऊंगा रेशियो और कंपनी में कराऊंगा इशू ऑफ शेयर डिबेंचर और शेड्यूल 3 तुम लोग को बहुत इजी लगेगा 100% और रेशियो लोग का कंटिन्यूएशन चल रहा है और थोड़ा सा क्लास है थी मैं पहले हमारे सिलेबस को कवर कर लेंगे फिर खाली आपको मैथ के क्वेश्चन बना लेंगे चलिए स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास